है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। देखो, स्वर्ण को यदि पहचानना चाहते हैं उसके कई विधाएं हैं, वह स्वर्ण पकड़ में आ सकता है। एक तो यह है कि उसको हम मोड़ना चाहें मुड़ता चला जाता है। मानव धर्म उसके पास विद्यमान है। दूसरा, उसको आप अग्नि परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, तो उससे भी उसको आप पहचान सकते हैं। एक कसौटी का पाषाण आता है तो उसके ऊपर उसको लकीरें खींचते चले जाओ, उसके माध्यम से भी आपको ज्ञात हो जाता है। यह निश्चित है कि उसको आप इन तीन के माध्यम से कर सकते हैं, किंतु अभ्यास यदि हो जाता है जैसे स्वर्णकार का अभ्यास, तो वह स्वर्ण पाषाण को अपने हाथ में दे करके देखता भी है और तोलता भी है, बिना तराजू में डाले उसका वह वजन भार बता देता है। पाषाण का नहीं, उस पाषाण में जो स्वर्ण है। अब मान लो 1 किलो का वह पाषाण है तो उसमें 0.5 किलो स्वर्ण है, ऐसे पहचान के लिए उसको उठा करके यूँ करके बता देता है। आपको लगेगा इसके हाथ में तराजू है, तराजू है तो वो पूरे के ही तराजू का वजन आना चाहिए। अकेला स्वर्ण का आ जाता है और पाषाण का नहीं आता, इतना अवश्य पाषाण का 1 किलो वजन है, स्वर्ण का वजन इतना है। ये उस धातु की विशेषता है। जब उसको उन्होंने स्वर्णकार ने उसको तपाया है, तपाने के उपरांत वह 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं इस प्रकार 16 बार तपाया जाता है, जिसको 100 टन सोना आप लोग बोलते हैं, 100% सोना है। उस सोने के पहचान तो आपको हो गई। 16 बार तपाना पड़ता एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 1 बार में ठीक क्यों नहीं होता, 16 बार उसके योग्य अग्नि में उसको तपाया जाता है। और अच्छी क्वालिटी का अग्नि लाई जाए और उसमें उसको तपाया जाए तो कहते हैं कि इसने भी करो, उसको तपाने के लिए जाओगे तो 16 बार तो आपको आना पड़ेगा। यह एक सिद्धांत है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करते हुए 16 बार होता है, उसमें एक अंश में भी बट्टा नहीं रहता है। अब इसके उपरांत हम एक दूसरी पहचान, केवल स्वर्ण रह जाता है
उस समय उसकी क्या पहचान है। पीतल भी दिखता है, सोना पीला पीला, और भी कई पदार्थ हैं जो ये स्वर्ण है, इसे कैसे समझ में आए। तो लोहा और सोना दोनों को, दोनों की गिट्टी है एक एक किलो की या आधा आधा किलो की, और कीचड़ में रख दिया और कीचड़ में दोनों को डुबो दिया गया। कुछ दिनों के बाद निकाला तो उसमें जो लोहा था वह जंग खा गया। जंग समझते हो? हाँ, फ्राई करके समझ करके चला करो, नहीं तो थोड़ी धक्का लग जाए तो इंजेक्शन लगाने पड़े। ऐसा जंग हो लगता है वो एक प्रकार से। और वो लोहा जंग जब खाता है तो पहले काला था, अब वह थोड़ा सा कौन सा लाल, तो एकदम तो नहीं, गेरुआ रंग जैसा ऐसा हो जाता, और वह विषाक्त भी रहता है। वो धक्का लगते ही वो किसी को हाथ पैर में, वहाँ पर वह विष फैल जाता है। बहुत ही कठिनाई से उस विष को औषध के माध्यम से उपचार किया जाता है। वहीं पर सोने की गिट्टी रखी गई थी, उसको निकाला तो जो ही कीचड़ से बाहर आ गया धोने से, वो चमकने लगा। ये दोनों धातु पौद्गलिक होते हुए अपने अपने गुणधर्म भिन्न भिन्न रखते हैं। बहुत काल से आत्म तत्व इस स्वर्ण की भांति पाषाण आदि में वह अपने आप परिणमन कर रहा है, किसी ने डाला नहीं, स्वयं का ही दोष है। आत्मा, कोई भी आत्मा यहाँ नहीं दिख रही है। महाराज इतनी मूर्तियाँ बैठी हैं, मेरी मूर्तियाँ तो बैठी है, वेदी में भी मूर्तियाँ बैठी हैं, किंतु ये जीव नहीं है। क्योंकि श्रद्धान कराया गया है, यह जीव इसलिए है, इसके भीतर जीवात्मा है, वो हमेशा हमेशा भीतर ही रहता है और अपना चमत्कार इसके माध्यम से बाहर दिखाता रहता है, और हम भूल करके इस चमत्कार से ही सब कुछ मान लेते हैं और भीतरी व्यक्ति की पहचान हम नहीं कर पाते। गुरुदेव जिनवानी और बिंब स्थापना के माध्यम से ये हमें औपचारिक सही किंतु ज्ञान हो जाता है, सिद्धांत का विषय हो जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण को उस पाषाण से बिल्कुल पृथक कर दिया गया रासायन क्रिया के आधार पर, विधिवत निकालने से ही निकल सकता है। एक दुआ तद्वा करेंगे तो भस्म हो जाएगा। तो आत्मा को भी हम श्रद्धान के बल पर विधिवत यदि चाहें तो, किंतु ये ध्यान रखना, स्वर्ण तभी बनता, आत्मा तभी अलग होता है, शरीर के प्रति मोह का त्याग पहले चाहिए। जैसे फास्ट फूड का त्याग पहले चाहिए फिर बाहर दिया जा सकता है। फास्ट फूड दोनों इंग्लिश शब्द है, हमने इन बच्चों को समाधान के लिए कहा है, देखो नहीं छूटा है, फूड तो छूटा है किंतु फास्ट छूटा है, और फास्ट के स्थान पर पास्ट। हाँ,
मतलब पुराना जो घराना घराने का है अठपरी घी इत्यादि के माध्यम से बनी हुई बिस्किट्स हैं, नहीं समझे, एक से एक व्यंजन बनते हैं घर में। तो बच्चों को एक प्रकार से इन छुड़वाने का अर्थ, घर में ये दिशा का आहार पूर्ण है तो ये बात बन सकती है। इसलिए अब बाहरी वातावरण से जब तक आपका बच्चा अथवा आप आकृष्ट रहेंगे, घर की वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार ये बेघर है, ये हमारा घर नहीं है, ओढ़ रखा है, तो इसके कारण वह घरेलू स्वाद जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, और आप इसी में सब कुछ मान करके चल रहे हो। बताओ तुमको कौन सा चाहिए, ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, जितनी आवाज़ फास्ट फूड के बारे में आती उतनी नहीं आ पाती। बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं, फास्ट फूड कर जा गए, हाँ चाह गए, मुख से कहो तो कभी एक शब्द छोड़ देता, कभी ये शब्द छोड़ देता, फिर इसके अपना हाँ फास्ट फूड का त्याग है। ये बताओ कब तक के लिए? 15 दिन के लिए है भगा इसे। एक महीना यार नीलाम नहीं हो रही है। फिर नहीं, तुम बारा भी सोच लो, अभी बहुत नीचे है वो, ऊपर आने बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो करते 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 वो सोच, देखो तुम देना चाहते हो, एक बार पक्का कर लो, दिल कर लो, टूट जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को कह दो, ब्रह्मचारी को जबरदस्ती कराएंगे तो वो कहने टूट जाए, तो टूट तब सकता है जब आप अपने घर के वस्तुओं के प्रति आकृष्ट जब तक नहीं होंगे। एक से एक बढ़ करके स्वाद हैं उसमें, तब वह विश्वास हो जाता है। बिल्कुल कठोर प्रतिज्ञा है बच्चों के लिए, तो ले लेते हैं। फिर इसके उपरांत वह अपने मित्रों को भी तैयार करता है कि तुम भी ले, तुम भी ले। इस प्रकार वो अपने संख्या बढ़ा लेते हैं और एक प्रकार से भीतर पहुंचने का, लौटने का एक उद्यम चालू होता, केवल आस्था के ऊपर आधारित है। आप लोगों को इस पड़ोसी मोह के कारण इस शरीर को ही आपा माने हैं, अथवा पंचेंद्रिय के भोग के कारण इसके अधीन हुए हैं। यदि आप चाहते हैं तो अनुपात से एक 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 बात समझ करके छोड़ते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप ही बिखरना प्रारंभ करेगा और कुछ भावों में ही आपका निर्धारण हो जाएगा कि यह शरीर बिल्कुल हमेशा के लिए छूट जाएगा। ऐसी प्रक्रिया, सूक्ष्म प्रक्रिया, और एक ही बार यह प्रक्रिया करनी पड़ती है। दुनिया के अनेक कार्य अनेक बार करने के उपरांत में पुनः एक बार और होता है, किंतु शरीर से एक बार आत्म तत्व अलहदा हो जाएगा, पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होगा। संक्षेप से आप लोग इस संकल्प को तो ले सकते हैं, उसमें कोई पसीना नहीं आता। संकल्प लेते ही कर्मों को पसीना अवश्य आ जाता है, नहीं समझे? हाँ, कभी कभी पौष भी हो तो भी आप किसी समस्या में उलझ जाते हैं तो पसीना आ जाता है। उसी प्रकार
एक बार आत्मा की ओर दृष्टि रख करके स्वभाव का चिंतन करे अथवा देव गुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास करे, इन्होंने जैसा साधना के बल पर पाया है हम भी पा सकते हैं, इस आधार पर विश्वास करते हैं, उसी क्षण से उसी तुरंत कर्मों को पसीना आना प्रारंभ हो जाता है। कर्मों को पसीना आने का अर्थ यही है जैसे बुखार उतर रहा हो, तो मलेरिया चढ़ता है ना तो वह बहुत परेशान कर देता है, खूब दवाई ली जा रही है नहीं हो रहा, दवाई ववाई मत कर करो, एक बात सुन लो, अच्छे गर्म पानी पी लो और ओढ़ कर सो जाओ, पसीना जब तक नहीं आता तब तक हिलना नहीं, तो पसीना आ गया तो क्यों बेकार आप पैसे खर्च कर रहे हो। ऐसा ही यह एक बार पसीना आ जाए तो फिर क्या कहना, थर थर कांपते हैं, लिए कर्मों को अभी ये कपाना नहीं जा रहे, कर्मों के कारण कप जा रहे हैं, कपे जा रहे हैं महाराज, कप कभी चढ़ी है और चढ़ेगी। वहीं पर नग्न अवस्था को प्राप्त करने वाले मुनि महाराज भी हैं, उनको क्यों नहीं आती कभी नहीं आती, सब समस्याओं से उलझने से इसको विपरीत अब वातावरण में भी विपरीत अनुभव होने लग जाता है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस देवगुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास करके देह से अपने आत्म तत्व को पृथक करने का प्रयास आज से करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी हो रहा है संकल्प तो ले सकते हैं, इस संकल्प का फल अगले भव में आपको अवश्य मिलेगा। अहिंसा परमो धर्म। परम पूजनीय आचार्य गुरु पर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की